हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सॉलिड स्टेट का नाइन्थ एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रेंस का नाइन्थ एमसीक्यू। नाउ व्हाट इज द गिवन एमसीक्यू? फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, विल बी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे बोलते, पहले ये समझो। तो एक यूनिट सेल में बना लेता हूं, ये हमारा यूनिट सेल, तो जिसमें पहला होता है, दैट इज फर्स्ट थ्री में से पहला होता है दिस वन, इसे मैं बोल रहा हूं पहला, दैट इज द साइड। कोई भी एक साइड पकड़ लो, वो तुम्हारा पहला नेबरिंग डिस्टेंस है, यहां से यहां पार्टिकल का डिस्टेंस, सही है। सेकेंड होगा फेस डायगनल, फेसेस छह होते हैं, तो सेकेंड ये होता है दिस वन, ये डिस्टेंस, और थर्ड होता है ये बॉडी डायगनल। एक बार रिपीट कर दूं, ये साइड वाला जो होता है, कोई भी एज का साइड मींस क्यूब का साइड, उसे पहला नेबरिंग डिस्टेंस, फेस का जो डिस्टेंस होता है, फेस डायगनल का जो डिस्टेंस होता है उसे सेकेंड, और बॉडी डायगनल को थर्ड बोला जाता है। ये तुम्हारे तीन, तो इनके वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात, उसने एज लेंथ दे के रखा है एल, तो ये भी एल और ये भी एल। ठीक है, मैं इन्हें नाम देता हूं ए बी सी एंड डी, जिसमें से पहला वाला तो एल आ चुका है, फर्स्ट वन इज एल, मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ए सी या फिर डी, तीनों में से एक है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्यूब के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है भाई, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एल स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू रूट टू एल, मतलब सेकेंड वैल्यू आया रूट टू एल, सही है। तो रूट टू वाले कौन से, तीनों भी अभी तक रूट टू एल वाले, देखो रूट टू रूट टू रूट टू सेकेंड वैल्यू आ गए। अब थर्ड वैल्यू निकालते, इसका मतलब इन ट्राइंगल ए डी सी, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 90 डिग्री का एंगल होता है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओके। व्हाट इज ए डी स्क्वायर, ए डी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज ए सी स्क्वायर, टू एल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी मतलब एल का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एल स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू रूट थ्री एल, तो तीसरा वैल्यू होगा रूट थ्री एल। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चे लोग, फर्स्ट वन इज योर बेस्ट ऑप्शन, एल रूट टू एल एंड रूट थ्री एल, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंसेस, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।